यू आर वॉचिंग भारत न्यूज। फनकारों के लिए दिन रात कोशां, तंजीम स्टेप्स की जानिब से शहबाज दुर्रानी टैलेंट अवार्ड 2020 की रंगारंग तकरीब करीम कुल दुर्रानी की ज़ेर सदारत सिंध म्यूजियम के मुमताज़ मिर्ज़ा ऑडिटोरियम में सजाई गई। खूबसूरत तकरीब को स्टेप्स के बानी और जनरल सेक्रेटरी अकील कुरैशी, मोहम्मद सुहेल, डॉक्टर नेक मोहम्मद भट्टी, सनी सोलंगी की काविशों से सजाया गया, जबकि मेज़बान और निगरा के फ़राइज डॉक्टर खादिम हुसैन, शमशाद गौरी और कामरान खान, अकबर खान ने अंजाम दिए। मुल्क के नामवर फिल्म स्टार आसिफ खान ने तकरीब में बहैसियत मेहमान खसूसी शिरकत की। इस मौके पर फलक शर्मिला को बेहतरीन कॉमेडियन, पश्मीना शेख को बेहतरीन अदाकारा, मजीद मुगल को बेहतरीन स्टेज प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़र, राजा बाबू गोविंदा को बेहतरीन डांसर, रेहाना सिद्दीकी एडवोकेट हाईकोर्ट को बेहतरीन कानूनी खिदमत का, सोहनी धरती यूथ काउंसिल के मुख्तार अहमद खान को बेहतरीन समाजी खिदमत पर अवार्ड्स दिए गए, जबकि वसीम राजपूत को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया। अनजहानी जगदीश कुमार का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड उनके भतीजे अभिमान ने वसूल किया। इस मौके पर शोबी अली, साइमा सहर और दीगर ने अपनी खूबसूरत आवाज़ों का जादू जगाया, जबकि सलमान लचक ने क्लासिकल और नीम क्लासिकल रक्स पेश करके शुरका के दिल मोह लिए। स्टेप्स और शहबाज दुर्रानी आर्ट्स सर्किल सिंध की जानब से ये जो अवार्ड सेरेमनी होती है, मरहूम शहबाज दुर्रानी जो हमारे लेजेंडरी आर्टिस्ट हैं और हैं, इसलिए कह रहा हूँ कि हम नहीं समझते कि वो हमसे जुदा हुए हैं। ये 9वीं सालाना अवार्ड सेरेमनी है। ये अवार्ड सेरेमनी उनकी ज़िंदगी में शुरू हुई थी और उनके डेथ के बाद ये तीसरी अवार्ड सेरेमनी है। अल्हम्दुलिल्लाह ये न सिर्फ हैदराबाद बल्कि मैं फ़ख्र से कह सकता हूँ कि हम लोग इस सेरेमनी को, अवार्ड सेरेमनी को इस लेवल पर लेकर आ गए हैं कि ये सिंध का एक बहुत बड़ा अवार्ड हो गया है और सिंध के जो तमाम आर्टिस्ट हैं इस दिन का इंतज़ार करते हैं। ये दिसंबर में होती है, इस मरतबा मार्च में हो रही है कोविड की वजह से। इसमें पूरी सिंध भर के आर्टिस्ट आते हैं, चाहे वो सिंगिंग के हवाले से हो या एक्टिंग के हवाले से हो। बहुत ही खूबसूरत इवेंट होता है और मैं आपके पारस न्यूज़ का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि वो हर बार हमें कवरेज देने के लिए आते हैं, और आपका इस बार भी मैं शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमारे इस इवेंट में शरीक होकर हमारे इस इवेंट को चार चांद लगा दिए। थैंक यू पारस न्यूज़, अल्लाह आपको भी खुश रखे और हमारे लिए भी दुआ कीजिएगा कि इस इवेंट को हम उस लेवल पर ले जाएं कि लोग कहें कि हाँ, शहबाज दुर्रानी ये सिंध का आस्कर अवार्ड है। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम जी, जैसे कि आपको पता है कि शहबाज दुर्रानी सर के से रिलेटेड ये हमारा अवार्ड शो होता है, हर साल होता है। 9 साल हो गए माशाल्लाह इस अवार्ड को, अवार्ड शो को। स्टेप्स ने ये अवार्ड शो किया है। अकील कुरैशी सर हमेशा ट्रिब्यूट देते हैं शहबाज दुर्रानी साहब को, तो हमारी भी मेहनतें आपके सामने हैं। बड़ा मज़ा आ रहा है, बहुत बहुत क्लासी प्रोग्राम है। थैंक यू सो वेरी मच। मेरा नाम है सलीम जान। 2 साल पहले भी मैं स्टेप की तरफ से एक शहबाज दुर्रानी का अवार्ड लेके गया था। ये जो उन्होंने एक नया इवेंट जो रखा है कि आर्टिस्टों की हौसला अफजाई के लिए एक खूबसूरत प्रोग्राम है, माशाल्लाह बड़े बड़े फिल्म स्टार भी इस प्रोग्राम में हिस्सा ले चुके हैं और शहबाज दुर्रानी मेरे वालिद की जगह थे और उनके बेटे करीम गुल मेरे बड़े पुराने साथी हैं, दोस्त हैं। सो मैं अकील कुरैशी को सलूट करता हूँ कि ये इतना अच्छा उन्होंने प्रोग्राम रखा है और इसको कंटिन्यू रखेंगे। थैंक यू वेरी मच।